क्या समस्या है सर? भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई, समस्या यह है प्रशासन ने सख्त आदेश दे दिए 10 बजे बाद डीजे नहीं बज जाएगा। और भाई पार्टी अगली पार्टी मानती को नहीं, पार्टी का थपड़न थपड़ाना पड़ा है, पुलिस पार्टियां ना कुछ गंदी को नहीं। और मेन बात यह है जो पैलेस वाले भाई है नी जी जी। जिसका पैलेस भाई यहाँ का, पार्टी तो पहले ये चीज गंदे को नहीं भाई, 10 बजे के बाद डीजे अलाउड को नहीं जी जी। तो मैं बड़ी समस्या आ रही है इस बात की भाई, हमारा आज प्रशासन ने कह दिया 10 बजे के बाद डीजे नहीं बज जाएगा। तो ये 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए, ये तो एक कानून है और ये तो काफी टाइम से है। मैं तो मान गया कानून है, मैं सिर माथा है कानून। पर समस्या तो है उन लोगों ने कुकर समझावा तो जागरूक नहीं यार। रात ना 12 बजे तक ठेके खुल सके के डीजे 12 बजे तक बैठ नहीं सकता, कानून तो अभी 10 बजे तक का ठेके का भी वो 12 बजे तक। तो अभी 2-3 दिन पहले भी कोई घटना हुई थी आज नरवाना में देख ले, रात ना 12 बजे आपने दिखा दूंगा ठेके खुले। चलो उनसे कंपैरिजन नहीं करते हैं, आप ये बताइए भाई वो पी के ना ओड़े तो छरदम कर है आधा देश की तो तारा मुतमम है। अच्छा, और फिर भी हमारा भरा लिया पुछड़ा, फिर भी हमारा भरा पार्टी फिर भी कर दिया यार, तुमने हमारा पेमेंट तो पूरी ले ली, तुमने 10 बजे संग पेट दिया तो मैम कड़ा। तो जब आप जब आपके पास पार्टी आती है डीजे बुक करने के लिए, तब आप अपनी जितनी भी ये बातें नहीं रखते हैं? हाँ भाई, पार्टी ने कहा है हमारी जिम्मेवारी कोई दिक्कत नहीं, पर प्रशासन आया ऊपर फिर प्रेस बना हुआ है लैपटॉप उठा कर ले जाए तो कई गाड़ी की समस्या हो भाई। तो जो जो पार्टी पार्टी होती है वो जिम्मेदारी लेती है, जब 10 बज जाते हैं तब आप नहीं बोलते कि हम हमारा जो जो पार्टी वाले के बयान पिछले हो भी हो जो अंटर में रहे हो नहीं वहाँ तो उन्होंने बजा बजा फिर किसका बजाऊं भाई। अच्छा, पैलेस पैलेस में आप आपकी बुकिंग होती है, वहाँ तो जिम्मेदारी पैलेस वालों की होती होगी शायद। पैलेस वाले क्यों जिम्मेदारी लेगा भाई, पैलेस वाले तो अपना ध्यान दे दिया, अपना टेंट गाड़ो चक्की में गाड़ो, उनकी बड़क थोड़ी हो है। ये पैलेस वाले तो मैं यह बात आ जुड़ गया कहना चाहूँ भाई, 10 बजे लग का टाइम दे करो जो कोई भी पार्टी आवे नहीं तो उत्थे जुड़ सक पैलेस वाले अगले महाराज तो सह नहीं सोचा पैलेस मोल ले कर सबने कह देना 10 बजे लग बजाओ मैम, पैलेस वाले की तो यह जिम्मेवारी है भाई, वो 10 बजे तक का ऐसा काम करा भाई, 10 बजे लग डीजे वाली ड्रो है। तो जो आप पार्टी है उनसे भी तो आपकी बातचीत होनी है, कोई इकरारनामा नहीं होता, कोई एग्रीमेंट नहीं होता इन चीजों को लेकर? इकरारनामा ने किया भाई नूके भाई गुंठे लागे उस पे भाई, पार्टी वाले कदे जितना चला चला दे पता समस्या हुआ जो दारू पी रहे नहीं भाई उनकी कौन समझावे, पार्टी वाला तो उस टाइम पे ब्याह में पिछड़े हुआ है। तो एसडीएम साहब ने अभी क्या कहा इस मामले को लेकर? एसडीएम साहब तक मिले को ना, एसडीएम साहब तक कल ना मिले गए, जो आज जो प्रशासन तक मिले थे एसएचओ साहब ने बुलाए थे वो सख्त वो कह गया मन ने 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए। तो इसका मतलब मैम बस आप लोगों की सहमति है कि 10 बजे के बाद नहीं बजना चाहिए, जितने भी डीजे वाले हैं आप लोगों की सभी की? प्रशासन ने आज खड़े कर रखे हैं यही बोला। आप मिले थे प्रशासन से? हाँ बिल्कुल मिले थे, उन्होंने यही बात कही है कि भाई मतलब 10 बजे के बाद चाहे तारा सामान फुटो चाहे तारा लैपटॉप फुटो चाहे तारा सामान का एक लागो माना कोई मतलब नहीं, माने 10 बजे डीजे बंद पड़ना चाहिए, अगर डीजे बंद नहीं हुआ तो तारा सारा का सारा ऑपरेटर सुधा सारा सामान लैपटॉप सीधा थाना में पाओगा और ना कोई जमानत होंगी ना कोई कार्रवाई। तो ये पुलिस प्रशासन ने आपको कहा है? तो ये समस्या तो आपके सामने ऐसी की जैसी खड़ी होगी आगे, यही तो पुलिस प्रशासन आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, वो आप पे बोल रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है। यही पूछना चाहते हैं अगर मतलब 10 बजे हम डीजे बंद कर देते हैं तो हमें पार्टी वाले धमकी देते हैं उधर से आपको, और अगर हम डीजे बजाते हैं तो फिर पुलिस वाले आगे खड़े हो जाते हैं भाई तारा सामान उठाएंगे तो हम करें तो करें क्या, तो इसकी जो जवाबदेही किसी के पास नहीं है, प्रशासन ने भी इस विषय पे हाथ खड़े कर दिए। अच्छा अच्छा, आपका वैसे कोई लाइसेंस होता है ऐसे डीजे बजाने का? हमारे फिलहाल तो कोई ऐसा तो कोई लाइसेंस है नहीं है, होता होगा लेकिन आपके पास होगा नहीं, वो तो गानों का होता है। अच्छा अच्छा, डीजे का लाइसेंस नहीं, तो गानों जो गाने चलाते हैं ना उसके विषय पे लाइसेंस होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तो ये गाँव में या फिर ये अच्छा जातिवाद के नहीं बजेंगे ये आपको करना पड़ता है, लेकिन ये तो फिर भी चलते रहते हैं देखते हैं हम, है ना? तो एक समस्या ये गांव में, गांव और मोहल्लों में भी आपके साथ यही समस्या है? सब जगह भाई, सब जगह वहाँ पे भी 10 बजे तक का ही है। हाँ 10 बजे तक का ही है, लेकिन पार्टी वाले मानते नहीं है। नहीं मानते हैं? नहीं मानते बिल्कुल भी। भाई गांव वाले तो कोई दिक्कत नहीं, गांव में तो लोग आपस में समझे फीलिंग है। अच्छा अच्छा, मैन खेल के है सहरा में है, और सहरा में भाई जड़ा लगवाना सुनना भाई है नरवाना शहर की 2-3 आदमी है जो तंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, डीजे दो तीन आदमी है जो सारे डीजे ने बेरा है, उन आदमी ने बेरा है क्यों यार, कौन किसकी गोखड़ी कौन दुमा करा है, कोई नहीं बड़क लेंदा भी हो तो इस बाना के वो लिखना नहीं तो अपना लिख देगा तो मुंह थोड़ा छोटी तलाश लेकर देखेगा, बट डीजे बाथरूम लाइट इनका बंद कराना है। नॉर्मली बात है यार, ब्याह पे 20-22 लाख रुपया लावा है, ना तो कुछ खाते करावा है प्रोग्राम,
नहीं डीजे तो नहीं तो रूल भी फॉलो करना पड़ता नहीं भाई। भाई रूल तो फॉलो कर लिया हमाम तो मानना है 10 बजे सहमत है भाई। पार्टी ने लोगों ने समझना तो ये तो भाई एक ऐसा रहेगा कि अवेयरनेस करना पड़ेगा पब्लिक को ही। पब्लिक को अपना जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी ना, उस पब्लिक है ना जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप 10 बजे लग रहा है, अगर आप पूरा नहीं कराना चाहते ब्याह गाँव मामा कर लो भाई रात में 2-2 बजे लग बजा लो। यू ऐसा मतलब फिलहाल जो आपकी कम्युनिटी है इसने कोई फैसला लिया है कि जब तक समाधान नहीं होगा या पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो तब तक आप डीजे वगैरह बजाएंगे या बंद रहेगा? शहर वाले डीजे नहीं लगाए अभी। ये हुआ आप सबका बात है भाई? यही है क्या? जब तक हमारे प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं होगा हमें शहर में डीजे नहीं लगाएंगे। बात इसी है, ब्याह में डीजे तो लाने पड़ेगा जिसके प्रोग्राम ले रखे हैं। किसके रात का तो यार रेंट का थोड़ा दूंगा मैं, कौन लंदा में जिसके प्रोग्राम ले रखे हैं वो तो आप करेंगे, लेकिन आगे से कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लेंगे क्योंकि शादी का सीजन है। समाधान नहीं होता ठीक है। तो वही कुल मिला के समस्या वही है, पब्लिक को अवेयरनेस होना पड़ेगा क्योंकि यार ये भाई भाइयों के साथ तो गाने भी लगवाए जाते हैं और टाइमिंग होती है 10 बजे की, जो लीगल कानून है 10 बजे का है, उसके बाद है जो डीजे को बंद करवा दिया जाता है। तमाम ऐसे स्टेट के अंदर शहर के अंदर ये कानून पारित है, लेकिन डीजे वालों के साथ अक्सर देखने को मिलता है हाथापाई भी हो जाती है। और जो पैलेस है, पैलेस के आसपास जो भी रियायत जो लोग रिहायशी इलाके होते हैं वहाँ पर भी लोग जो पुलिस को कॉल कर देते हैं और डीजे वालों को सुनना पड़ता है ना, इसमें पैलेस वालों को भी कोई। जी 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 भाई, ये मोबाइल डीजे की समस्या है, गाड़ी में सामान लाते हुए इनके 10,000 रुपये चलान काटने लग रही है पुलिस अपने नरवाना में। तो रिक्वेस्ट है भाई सामान क्या मैं ले जाऊं, जब बारात ने बैठनी ना अपन तो आप क्या मैं लाद के ले जाऊं, तो सारी में गाड़ी में लाद कर ओड़ाई भी यार लगा कराना हुआ है। तो जो मोबाइल डीजे हैं इनके चलान ना काटे जाए, ये एक समस्या है। बस इस पूरे सीजन में कितनी कमा लेते भाई साहब लोग? अब ये जैसे शादी का सीजन चलेगा तो ना जगह ही सोता मरा देते। अच्छा अच्छा, मतलब कमाई भी बहुत ज्यादा नहीं है ना भाई, पेट वो काम करना पड़ा इतने का सामान चले बराबर है। अब वैसे आप डीजे का नाम क्या है? अपना सारे भाई डीजे कट्ठे डीजे है। चलो 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 भाई, अचार बत्ती वाले नरवाना के मतलब अचार बत्ती है जो हमारे नरवाना का जो डिजिट नंबर है, यहाँ के तमाम ये शहर में है जो डीजे का जो काम करते हैं और आपके शादी फंक्शनों में है जो ये डीजे बजाते हैं, तो इनको बेचारों को समस्या हो रही है। समस्या भी तरह तरह की समस्या है, डीजे मोबाइल डीजे है वाली गाड़ी है उसका चलान काट दिया जाता है, शायद वो कानून का उल्लंघन करती होगी वो चीज़ें, इसीलिए है जो प्रशासन इनका चलान करता है। लेकिन ये उस समस्या से जूझ रहे हैं कि पूरे सीजन में बहुत पैसे नहीं, कुछ पैसे कमा पाते हैं घर का जो जो खर्चा चलता रहे, जो समस्याएं है जो एक्सेंशियल समस्या है आवश्यक समस्याएं है वो पूरी हो जाए एक गरीब आदमी की। लेकिन 10,000 रुपये का चलान ऊपर से है जो 10 बजे के बाद है, जो पार्टी इनसे है जो शादी में बुलाती है किसी फंक्शन में बुलाती है उसके 10 बजे के बावजूद भी है जो बाद में डीजे बजाया जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कह दिया है कि वो जिम्मेदारी आपकी होगी और जहां जिस पैलेस में लगा होता है पैलेस वाले भी इस बात की जिम्मेदारी लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं। और 2 दिन पहले भी ये मामला आया था कि किसी पैलेस में जो डीजे बज रहा था और 10 बजे के बाद जो वो व्यक्ति 2 बार जो उसको बंद करवाने के लिए उसने अपील की, लेकिन दूसरी बार में बताया जा रहा है कि उसके साथ है जो हाथापाई हुई है, ऐसा हमने अखबारों में पढ़ा भी देखा भी। और एसडीएम साहब ने भी है जो कहा है कि 10 बजे के बाद डीजे जो बंद हो जाना चाहिए। तो ये नरवाना तमाम नरवाना के जो डीजे बजाने वाले लोग हैं ये कह रहे हैं कि जो अभी फ़िलहाल हमने प्रोग्राम ले रखे है वो तो हम करेंगे, लेकिन आगे के जो प्रोग्राम है उनको हम उनमें डीजे नहीं बजाएंगे। तो तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। अनिल कुमार तवर जी कह रहे हैं चलान सही है, ओवरलोड गाड़ी होती है, बिल्कुल कानून का उल्लंघन करते हैं। जी जी, अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो चलान तो बनता ही है, लेकिन 10,000 रुपये का चलान इनको बड़ा मुश्किल सा लगता है उस 10,000 रुपये का चलान को भरने के लिए। लाइसेंस तो होनी चाहिए जी, अगर लाइसेंस अप्रूव प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं हमारे सरकार के द्वारा तो लाइसेंस तो लेने ही चाहिए।